नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री सक्सेस आईक्यू के अंदर। तो साथियों, मैं एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपके पास लेके आता हूँ। और मैंने थोड़े दिन पहले ही एक जो एस जो IBPS क्लर्क है उसको लेकर के नोटिफिकेशन को लेकर के मैंने एक वीडियो डाला था, और उसमें मैंने यही चीज़ आप लोगों को बताई थी कि 10 से लेकर के 13 जुलाई तक जो है IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज वही पल जो है आपके सामने आ चुका है, और जो हमारा IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन वो आपके पास आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो है ऑफिशियल साइट को खोल रखा है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑफिशियल साइट में हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को आपके सामने यहाँ पे। और ये हमने दोस्तों डाउनलोड कर ली है जो ऑफिशियल साइट है, उससे हमने यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आज ही की डेट का है दोस्तों, 2022-23 है उसको लेकर के ये वैकेंसी है दोस्तों। और हम आगे चलते हैं, इसमें नोटिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं यहाँ पे, और जो ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड इसमें जो है उनके जो रिजर्व लिस्ट है उसके बारे में भी बात की गई है। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो बैंकों की लिस्ट दी गई है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक है। ये बैंकों की लिस्ट है, आप लोग आसानी से देख पाएंगे कि इन बैंकों की जो रिक्रूटमेंट है वो आई है। और सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों हमारे पास में एक डेट जो होती है इसकी, तो वो डेटें हमारे पास यहाँ पे दी गई है। यहाँ डेट आप लोग देख सकते हैं कि डेट कौन कौन सी है यहाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 12 तारीख, मतलब जो 12 तारीख है उससे स्टार्ट होकर के 1 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके बाद में जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो भी सेम ही डेट रहेगी, और जो इसका एग्ज़ाम कॉल लेटर है प्री ट्रेनिंग के लिए वो अगस्त 2021 में आने की संभावना है। और प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम है वो आपका 16 अगस्त 2021 को ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगा। जो प्री एग्ज़ाम है वो ट्रेनिंग का वो 16 अगस्त को ऑर्गेनाइज, डाउनलोड फॉर लेटर ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम, ठीक है। जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों जो है यहाँ पे अगस्त के अंदर ही डाउनलोड हो जाएंगे नोटिफिकेशन। और हम आगे बात करते हैं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आपका 28 अगस्त, 28, 29 और 4 सितंबर को, ठीक है। 28 अगस्त को, 29 अगस्त को यहाँ पे मेन महत्वपूर्ण डेट है, इस डेट को इनका एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट जो है इसका सितंबर या अक्टूबर के अंदर घोषित किया जाएगा, और उसके जो कॉल लेटर होंगे मेंस के वो अक्टूबर के अंदर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। और मेंस की बात करते हैं तो दोस्तों मेंस 31 अक्टूबर को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, 31 अक्टूबर को इसका जो मेंस होगा वो आयोजित किया जाएगा। और इसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको पता है अप्रैल को, एक हमेशा हर साल 1 अप्रैल को आता है, ठीक है। हर साल क्या होता है 1 अप्रैल को इसका जो है पूरा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट फाइनल आ जाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग समझते हैं कि ग्रेजुएशन क्या कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप बाकी जो नॉर्मल है इसका आपके सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है इसमें दिया गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर रहा है जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी इसमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों यहाँ पे कि इन्होंने दिया है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी एक मान्यता प्राप्त कॉलेज से, और आपकी ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट होगी वो आपकी यहाँ आप देख सकते हैं 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं वहाँ पर कि हमारी वैकेंसीज अगली बार कितनी है, क्योंकि हर बार की भांति जो है वैकेंसियाँ लगभग कम होती जा रही है बैंकिंग की, और इस कारण से बच्चों को बहुत सारा परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चे में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे आ चुकी है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका सेम ही रहने वाला है, ऐसा कोई उसमें है नहीं दिक्कत। तो आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के जो वही है 30-30 क्वेश्चन है, 30 इंग्लिश के है, फिर 35 जो रीजनिंग के है, और 35 न्यूमेरिकल एप्लीकेबिलिटी के, ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाएगा। और आगे मैं मेंस की बात करते हैं तो दोस्तों सेम ही मेंस के अंदर वही प्रोसीजर अपनाया गया यहाँ पे, जो यहाँ पे है सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर इसमें साथ में आ गया, जो 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। और आगे हम चलते हैं इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो है वैकेंसी की बात करते हैं, आपकी कौन से बैंक की कितनी वैकेंसी है या किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है, तो आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। और मैं आपको चलते चलते साथ में दूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड आपको तुरंत अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी इस चीज़ का थोड़ा सा वो मनोबल हमारा बढ़ेगा कि हम आप लोगों के लिए तत्पर रहें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन न्यूज़ नोटिफिकेशन आता था आप लोगों के लिए तुरंत यहाँ पर पहुँच जाए, आप लोगों को जो है सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दें। और यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है वो जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर अगर आप लोग डिक्लेरेशन की बात करें तो आप लोगों को डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन जो है यहाँ सामने आपके देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन आपको हमेशा अपने हाथ से भरना है। ये डिक्लेरेशन जो दिया हुआ है दोस्तों अपने हाथ से भरना है, किसी की कॉपी करके नहीं भरना आप लोगों को। और आगे हम चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे आगे बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की। और दोस्तों मैं पहले बता दूँ, मैंने पहले भी कलर के बारे में नोटिफिकेशन के बारे में डाला था वीडियो और वही बात हुई दोस्तों, मैंने 11 से लेकर के बोला था। तो ये आज के जो है हमारा यहाँ पे वो कहना जो था सही साबित हुआ है कि ये जो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की एज ए फर्जी न्यूज़ है जो हम वो नहीं जारी करते दोस्तों। तो आप लोगों को इसकी ध्यान रखना है। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई भी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, कैनरा बैंक में भी जो है जनरल की एक है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्रा में भी पोस्टें हैं जो टोटल है 248 पोस्टें हैं। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम के अंदर 24 पोस्टें हैं। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर यहाँ पे 21 पोस्टें दी गई है। चंडीगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो चंडीगढ़ में जो है हमारे यहाँ पे टोटल जो पोस्टें दी गई है वो 6 पोस्टें हैं। और इस हिसाब से ये सारी पोस्टों का विवरण है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप किस स्टेट से हैं। प्लीज़ स्क्रीन शॉट लीजिए और स्क्रीन शॉट लेके आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। आप उसी क्षेत्र से आप अप्लाई करिए तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे गोवा की है, ये गुजरात की है, उसके बाद में ये हरियाणा की पोस्ट हैं दोस्तों। हरियाणा में जो है हरियाणा के अंदर भी ये पोस्टें दी हुई है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे ये है हमारा जो हिमाचल प्रदेश की पोस्टें हैं, जम्मू एंड कश्मीर की पोस्टें यहाँ पर देखिए, झारखंड की पोस्टें यहाँ पर देख सकते, स्क्रीन शॉट लेके आप लोग आसानी से एवेल्यूएशन कर सकते हैं। कर्नाटका में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पोस्टें कर्नाटका की है, और उसके बाद केरला की पोस्टें यहाँ पे दी गई है, और लद्दाख की पोस्टें यहाँ पे दी गई है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद लक्षद्वीप की पोस्टें भी यहाँ दी गई है, और मध्य प्रदेश की पोस्टें दोस्तों आपके सामने हैं मध्य प्रदेश की भी, और महाराष्ट्र की पोस्टें यहाँ पर दी गई है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी पोस्टें हैं तो आप लोगों को तो आप भर सकते हैं। और उसके मणिपुर के अंदर पोस्टें दी हुई है, मेघालय की पोस्टें देख सकते हैं आप, मिजोरम की बात करें मिजोरम की पोस्टें, और नेक्स्ट है हमारे नागालैंड की पोस्टें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ओडिशा की पोस्टें स्क्रीनशॉट के लेकर के आप लोग देख सकते हैं। और पौंडीचेरी की बात करते हैं यहाँ पे पोस्टें दी गई है, उसके बाद पंजाब की, ठीक है, पंजाब के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, पंजाब के अंदर आप फॉर्म भर पाइए। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं है। सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद तमिलनाडु की वैकेंसीज ये है आप देख सकते हैं, तेलंगाना की वैकेंसीज, और त्रिपुरा है, और नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये वैकेंसीज दी गई है। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी वैकेंसीज हैं आप लोग देख सकते हैं, चक्र वेस्ट बंगाल के अंदर ये पोस्टें हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका यूज है सारी यहाँ पे दी गई है, और मेन एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके सामने दिए गए हैं, वो कौन से सेंटर में आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो है नोटिफिकेशन मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ये सो करूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है तो प्लीज़ आप इसी प्रकार तैयारी को बनाए रखें, और आगे भविष्य में आने वाली किसी प्रकार का नोटिफिकेशन हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।